अब यहाँ पे आपके हर एक क्लिक पे इनकम होने वाली है। यहाँ पे $27.43 की जो इनकम है वो आप देख पा रहे होंगे। ये इनकम करना बहुत आसान होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। हर एक क्लिक पे आपके यहाँ पे इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये वेबसाइट कौन सी है? ये इस वेबसाइट का नाम है CPA ग्रिप। और इस वेबसाइट में बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जैसे कि आपको पता होगा, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे जितने भी आप ऑफर्स देख रहे होंगे, चाहे वो ये देख सकते हैं, ये जूम आउट कर दूं, ये डेस्कटॉप के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है, ये एप्पल के अंदर कर सकते हैं, ये एंड्रॉइड के अंदर कर सकते हैं। तो ये जितने भी आप ये टास्क देख रहे हैं, ये जितने भी आपको ये साइड में टास्क देख रहे होंगे, ये पे आउट दिख रहा होगा, ये सारे टास्क कंप्लीट करवा के आप इनकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है जो कि यहाँ पे है क्लिक मी, और नीचे यहाँ पे आ रहा है यूअर प्रोडक्ट हेयर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लिक मी एक ऑफर चल रहा है, एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे लिखा है क्लिक मी। कोई भी इस पे क्लिक करेगा, मतलब कि कोई भी इस पे क्लिक करना पसंद करेगा, चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है क्लिक मी, और नीचे हम जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है वो डालेंगे जो कि हमारा ऑफर होगा। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है सबसे? अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूँ जिसका नाम है सीखो ऐप। अब सीखो ऐप में जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने के मिल रही है। अब यहाँ बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलती है ऑनलाइन अर्निंग की, जहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाती है जो कि जेन्युइन वीडियोस होती हैं। बिकॉज सीखो एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको वीडियोस देखनी होती है तो आपको पैसे देने होते हैं, सब्सक्रिप्शंस लेना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कूपन कोड है जिसको आप यूज़ करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन ये वैलिड जब होता है, जब आप एक साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेंगे तभी ये कूपन कोड यहाँ पे काम करने वाला है, 13299। इस कूपन कोड को जब भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको 299 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे आपको 700 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप रियल में अर्निंग करना चाहते हो तो सीखो एप्लीकेशन का यूज करके यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी वीडियोज A to Z वीडियोज रियल में डलती है, बिकॉज यहाँ पे वीडियोज देखने के लिए पैसे लगते हैं। मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे को भी यहाँ पे कुछ पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सीखो एप्लीकेशन को यूज करके यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो कूपन कोड आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो और यहाँ पे अर्निंग अपनी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इसको जानने के लिए पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने ये डेली बेसिस पे इनकम यहाँ पे करता हूँ सीपी ग्रिप के अंदर। तो सबसे पहले हम सीपी ग्रिप के अंदर चलते हैं। अब सीपी ग्रिप के अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये डेस्कटॉप के अंदर काम कर सकता है, एप्पल के अंदर काम कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर काम कर सकता है, तो तीनों डिवाइस के अंदर ये काम कर सकता है। तो हमको ऐसे ही ऑफर सेलेक्ट करने हैं कि जो कि तीनों डिवाइस के अंदर काम करे, जैसे कि ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर है, तो हमको ये वाले ऑफर्स लेने हैं। अब इस ऑफर्स में क्या है, इस ऑफर्स में लिखा है कि एंटर 4500 कैश, मतलब कि इस ऑफर्स को अगर कोई भी क्लिक करता तो इसके अंदर वो इनकम करने के लिए आता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पे इनकम करने के लिए आएगा तो यहाँ पे हम उसको दिखाएंगे भी कि हम यहाँ पे इनकम करने का जो ऑफर्स है उन्होंने बनाया, ये जो भी हम यहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे वो इनकम करने वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैनवा पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना भी रखा है क्लिक मी, और एक और बना रखा है यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है क्लिक मी इफ यू आर इन द USA एंड यू वॉन्ट ए फ्री 5000 स्टिमुलस, ठीक है। 5000 डॉलर की जगह आप यहाँ से जो भी सीपी ग्रिप के अंदर अमाउंट मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है 4500 कैश मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं और जूम करके दिखा दूँ, 4500 कैश यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो 4500 आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 लगा देंगे कॉमा, और इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे, तो ये एक पोस्टर आपका बन गया। अब यहाँ पे लिखा है क्लिक मी, और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई कि अगर आप USA से हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, और आप यहाँ पे फ्री में इतनी रुपीज अर्न करना चाहते हो तो आप इस पोस्टर पे क्लिक करें। जो भी हमारी वेबसाइट है इसके पोस्टर में लिखा भी हुआ है कि क्लिक मी, और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है वो होती है। बेसिकली यहाँ पे हमको एक कैंपेन रन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स निकाल लेनी है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि 4500 का जो अमाउंट है वो आपको मिलता ही मिलता है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रमोट करने वाले हैं, डेस्कटॉप के अंदर हम प्रमोट करेंगे, लेकिन वहाँ पे सारी डिवाइस दिखा रहे हैं कि सारी डिवाइस के अंदर बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि आल्सो अवेलेबल ऑन एप्पल और ऑन एंड्रॉइड और ऑन डेस्कटॉप, मतलब ये जो ऑफर है इसको हम तीनों चीज में प्रमोट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप स्पेशली लिखा है कि डेस्कटॉप के अंदर ज्यादा प्रमोट करिए, बिकॉज इनका जो लैंडिंग पेज है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी हुई है एंटर हुई इन्फॉर्मेशन नाउ ए चांस टू ये, तो इनकी इसकी तो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रमोट करवाना है, और यहाँ पे हमको हर एक टास्क का यहाँ पे $1.03 अमाउंट है मिलने वाला। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं,
ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का नाम है रोलर्स एड। रोलर एड में क्या होता है कि आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन एड क्रिएट करना पड़ता है, मतलब कि आपको एक कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है और कैंपेन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका जो एड है वो लाइव हो जाएगा। और कैंपेन जो भी आप यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन एड क्रिएट करेंगे वो उनके फोन के अंदर जाता है और फोन में यहाँ पे लिखा होता है क्लिक मी और नीचे आप अपना यहाँ पे एंगेजिंग सा प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब कि थीम कह सकते हो वो बनाना है आपको जो कि यूजर को एंगेज करेगा। ठीक है, सबसे पहले जब भी इसमें आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना देना पड़ेगा। मेरे पास पहले से अकाउंट है। इसमें अकाउंट बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट होता है, अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, कंट्री नेम सिटी ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है। डालने के बाद आपके मेल पे एक मेल आता है कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो मेल आता है सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, तो ये मेरा पासवर्ड है, आपके पास कुछ इस तरह का पासवर्ड आएगा तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो अकाउंट है नॉर्मली बन जाता है। अब इस वेबसाइट में हमको एक कैंपेन को यहाँ पे क्रिएट करना है। जो भी हम यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करेंगे उस कैंपेन के अंदर हमको बताना है कि हमने जो कैंपेन बनाया है वो कौन से लोगों को टारगेट करना है, किस तरीके के हमने एड दिखानी है। यहाँ देखेंगे तो रोलर्स एड खोल रखा है, न्यू कैंपेन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी इस वॉलेट में यहाँ पे 129.56 डॉलर का अमाउंट है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन के ऊपर तो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन आ रहा है, ऑन क्लिक आ रहा है, इन पेज आ रहा है और यहाँ पे कैलेंडर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पुश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं बिड मॉडल, एक होता है स्मार्ट सीपीसी और एक होता है सीपीसी, तो आप स्मार्ट सीपीसी पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने जनरल का ऑप्शन है जहाँ पे आपको कैंपेन नेम देना है, उसके बाद टारगेट यूआरएल देना है। तो कैंपेन का जो नेम है, कैंपेन का नेम हम दे देते हैं अर्न 4500 डॉलर्स इजीली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको एक टारगेटिंग यूआरएल देना है। तो जो भी हमने यहाँ पे जो भी इसका जो लिंक होगा उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स चाहिए कि कितने लोगों ने क्लिक किया है, कहाँ से क्लिक किया है, कितने लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन किया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कैंपेन आईडी, क्रिएटिव आईडी, जोन आईडी, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। तो कंट्री नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्लिक आईडी ले सकते हो और कंट्री नेम सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको कॉस्ट भी चाहिए कि कितना कॉस्ट आया तो वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जाना है तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव मतलब क्या होता है कि आपको एक एड फॉर्मेट बनाना होता है, जैसे कि मैंने कैनवा बना रखा है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली कैनवा के आपके होम सेक्शन में जाना है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज साइज के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक 192:192 का एक आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 360x240 पिक्सल का एक आपको कैनवा पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 360x240 का यहाँ पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे ये साइज आ जाएगा। इस साइज में आपको यहाँ पे बनाना होता है, तो इस साइज में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये बना रखा है, तो आप देख सकते हो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। इस तरीके से बनाना होता है, सिंपली आपको टेक्स्ट डालना है नीचे, कुछ आपको नीचे एक आपको छोटा सा बैकग्राउंड लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट डालना होता है। तो ये सिंपल सा मैंने बना रखा है, इसको सिंपली मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, सबसे पहले आइकन आपको देना है, आइकन पे मैंने क्लिक में ही लिखा है, डाउनलोड पर जाएंगे, ये हमारा आइकन है और ये हम जो इमेज है वो बनाई है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमको टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है जो कि हमारे नीचे एड के अंदर शो होगा, जैसे कि ये फोन के अंदर दिखा रहा है, एंड्रॉइड के अंदर हमको शो करवाना है, विंडो के अंदर शो करवाना है या मैक के अंदर शो करवाना है, तो किस तरीके से शो होगा। तो मैक के अंदर तो हम शो नहीं करवाएंगे, विंडोज के अंदर हम शो करवाएंगे और एंड्रॉइड के अंदर शो करवाएंगे। एंड्रॉइड के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी क्लिक मी इफ यू आर इन द यूएस, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए हम सीपीए ग्रिप के अंदर जाएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हम दोबारा से जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमने एंड्रॉइड विंडो जो भी है वो हमको देख लेना कि किसमें कैसा कैसा शो होगा। उसके बाद हमने ये पूरा एक एड क्रिएट कर दिया। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है एड क्रिएटिव, मतलब कि इस पे क्लिक करके आप फिर से इसी तरीके का और भी एड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से एड पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना कन्वर्जन आ रहा है, किस फोटो पे ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि ये मैंने फोटो बनाई है तो इस फोटो पे कितने लोग क्लिक करेंगे और जो बनाओगे उस पर कितने लोग क्लिक करेंगे। तो जो अच्छा चलेगा उसको आप रख सकते हो और जो अच्छा नहीं चलेगा उसको आप रिमूव कर सकते हो। याद आएंगे कंट्री है मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी सिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको ऐसी छोड़ देंगे, इसको आईपी को भी ऐसी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है बिड, बिड मतलब कि यहाँ पे मैक्स सीपीसी कितना रुपए आप रखना चाहते हो। तो हम यूएस के अंदर हम एड शो करवाना चाहते हो तो हमको यहाँ पे सीपीसी 0.02 रखना होगा। तो हमारे पास देखिए कितने क्लिक्स आएंगे, 509 क्लिक्स आएंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 0.05 कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2900 कुछ क्लिक्स आने वाले हैं, मतलब कि और ज्यादा लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे दो रखेंगे, ठीक है, 0.02 सेंट्स रखेंगे जो कि 1 रुपए कुछ पैसे के बराबर होता है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी है, बिड स्ट्रेटेजी मतलब कि किस तरीके के लोगों को हमको यहाँ पे एड शो करवाएंगे। एवरेज ऑक्शन प्राइस है,
टॉप ऑप्शन पे है। यहाँ पे सिंपली हमको एवरेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे जाना है। तो यहाँ पे आपके सामने स्मार्ट सीपीसी पर जोन क्लिक लिमिट सेटिंग लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई लिमिट लगानी है तो लगा सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि पर डे एक जोन से कितने क्लिक चाहिए। एक जोन यानी कि एक वेबसाइट पे या एक फोन के अंदर एड चल रहे हैं, उस फोन के अंदर किसी ने 10 बार हमारे एड्स को देख लिया तो वहाँ हमारे जो एड बंद हो जाना चाहिए। आप ऐसे लगा सकते, लेकिन हमको ये लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, नो पर जोन क्लिक लिमिट्स डिफॉल्ट आपको इसको ऐसे रखना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा है कस्टम बिट्स, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप कस्टम बिट्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 0.02 नहीं देना तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कस्टम लगा सकते हैं। बजट की बात करें तो बजट पे क्लिक करना है, डेली बजट आप यहाँ से $10 रख सकते हैं। और टोटल की बात करें तो मैं इसको 3 दिन चलाऊंगा तो यहाँ पे $30 का अमाउंट लग जाएगा। सीपीए ऑप्टिमाइजेशन इसको हम इनेबल कर देंगे, इसको हम इस पे क्लिक करेंगे रिकमेंडेशन पे, और यहाँ पे टारगेट सीपीए 1 रखा होगा। ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक हम कौन सा चाहिए, ऑल ट्रैफिक चाहिए या प्रीमियम ट्रैफिक चाहिए, तो हमको प्रीमियम ट्रैफिक लेना है। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एज की बात करें तो यहाँ पे कितने देर तक हमको इसको जो एड को रन करना है, 1 से 3 दिन तक हम एड्स को रन करेंगे, तो बाकी जितने भी हैं उनको हम यहाँ से कट कर देंगे। फीड लिमिटेशन को छोड़ देना है, जोन लिमिटेशन को छोड़ देना, बिकॉज हमने जोन के अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रखी। फ्रीक्वेंसी कैपिंग को भी हम ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि हमको पर डे कितने क्लिक्स चाहिए, कितने आवर्स के अंदर कितने क्लिक्स चाहिए या कितने व्यूज चाहिए, वो हम लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ। उसके बाद कौन कौन से दिन आपकी जो एड्स है वो रन होगी, ये सारी चीजें इनको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। डिवाइस में जाएंगे, मोबाइल टैबलेट डेस्कटॉप तीनों चीजें, यहाँ से मैं टैबलेट को हटा दूंगा, मोबाइल और डेस्कटॉप के अंदर मेरी जो ऐड होगी वो शो हो जाएगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज मैक एंड्रॉइड क्रोम ओएस है, विंडोज और यहाँ पे एंड्रॉइड को हम लेंगे। ओएस वर्जन को हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ब्राउजर भी ऐसे छोड़ देंगे, ब्राउजर लैंग्वेज भी हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके इंग्लिश ले लेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आई डिक्लेयर एंड गारंटीड दैट माई कैंपेन मीट्स द क्वालिटी गाइडलाइंस, और यहाँ पे हमको करना है स्टार्ट कैंपेन के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करते ही हमारा कैंपेन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडरेशन में चला गया, मतलब कि कैंपेन अभी चेक हो रहा है। जैसे ही कैंपेन यहाँ पे चेक हो जाएगा, चेक होने के बाद ये अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा कैंपेन यहाँ पे रन होना चालू हो जाएगा। जैसे ही रन होना चालू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके सीपीए ग्रुप के अंदर यहाँ पे इनकम आनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार आप लॉस में जा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप यहाँ से प्रॉफिट में जाएंगे अगर आप इस वेबसाइट को यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे $10 लगा दिए, अब $10 में से 5 लोगों ने यहाँ पे आपके टास्क को कंप्लीट किया, तो हमारी इनकम कितनी होगी, $7 से $8 की इनकम होगी, तो $2-3 आप यहाँ से लॉस में चले जाएंगे। कभी कभार ये होता है कि आपने $10 इन्वेस्ट करें और यहाँ से आपके $50, $7 इस तरीके से इनकम होगी, तो वो प्रॉफिट में हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे चलता रहता है, ये एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप उससे देख सकते हैं जैसे कि आपके फोन में कितने एड्स आते हैं, कितने एड्स आप क्लिक करते हो, तो इस तरीके से होता है। अगर आपकी इंटरेस्टिंग वाली एड आ गई तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो, आप उसको कन्वर्ट भी करते हो, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप यहाँ पे एड्स को रन कर रहे हो तो एड्स को रन करते टाइम आपको उसको ऑप्टिमाइज करना, देखना है कि कहाँ से क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से जोन से क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, उनको आपको देखते रहना। उसके बाद जब आप पूरे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स को आप देख लोगे, समझ लोगे कि यहाँ यहाँ से मुझे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, यहाँ यहाँ से मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिल रहे हैं, तो आप उस कंट्री को टारगेट कर सकते हो और वहाँ से आप ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये एडवर्टीजमेंट वाला जो तरीका है वो इस तरीके से काम करता है। सारे लोग पहले एडवर्टीजमेंट लॉस में रन करते हैं, जब वो लॉस में रन होता है, जब उनको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से क्लिक्स आ रहे हैं, कहाँ से प्रॉफिट निकल सकता है, तो उस चीज को टारगेट कर सकते हैं, उस चीज को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद वो सारा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं हूं आपसे नेक्स्ट डे।